एंसेस्ट्रल वर्क क्यों कर रहे हैं। सो एक हो सकता है कि हम पर्सनल लेवल पे, जैसे कि हमारी हमको फिजिकली कुछ इश्यूज हैं या साइकोलॉजिकली मेंटली वी आर डिस्टर्ब, स्ट्रेस, एंजाइटी, व्हाटएवर, वो चीज के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे ही हम अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होते हैं तो हमको उनके थ्रू बहुत सी जो उनमें अच्छाइयां हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनके टैलेंट्स हैं, उनके रिसोर्सेस हैं, वो सब जब हमको पता चलता है। जैसे कि आज आप अगर जानो कि आप आपके ऐसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे जो बहुत वॉरियर थे, या दे वर वेरी वेल नोन, या जिस तरह से किसी ने बोला उनके आयुर्वेदिक, मीनाक्षी ने बोला आयुर्वेदिक की नॉलेज उनके फादर को है, और किसी ने बोला कि चलो मेरी मदर के अंदर ये टैलेंट था। तो ये जब हमको पता चलता है तो हम, जैसे कि आई कम टू नो कि मेरी ग्रैंड मदर हैड डन इवन स्टडी एट दैट टाइम, शी वॉज अ, उन्होंने कोएड कॉलेज में पढ़ाई की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, एंड तो उस टाइम भी वो पढ़ी लिखी थी, मतलब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक अगर हमारी सोसाइटी के हिसाब से बात करें तो लड़की होते हुए भी उन्होंने वो सब चीजें की जो एक हो सकता है उस टाइम लड़कों को ही दी जाती थी बेनिफिट। ओके, सो तो आपको अंदर एक फीलिंग आती है, यू नो, कि यू फील कि हाँ, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन ऑल्सो, आप कितनी चीजें कर सकते हो या कितनी चीजें आप में उनकी वो शक्ति है, जब वो चीजें कर सकती थी तो आप में क्यों नहीं, राइट? तो वो है। उसके अलावा है कि जब हम अपनी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर अगर किसी तरह के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ भी चीजें थी, तो उसका पर्पस क्या है कि हम आज वो लाइफ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी वो चीजों को हमको इफेक्ट नहीं होने दें। ओके, तो पर्पस ये नहीं है कि हमको ये देखना है कि अरे मेरे पूर्वज पे तो ये डायबिटीज थी और हाइपरटेंशन थी और ये थी और देखो अब मुझ में भी आएगी, तो मैं अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती हूँ, मैं पहले से ही अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ कि भाई हो सकता है मैं अपनी वॉकिंग स्टाइल, अपने ईटिंग स्टाइल, अपनी चीजों पे क्या कंट्रोल कर सकती हूँ जिससे कि वो चीजें मुझ तक नहीं आए, दैट इज मेकिंग अ यू नो चेंजेस इन माई फिजिकल सेल्फ। ओके, फिर मेरे को अपनी लाइफ का पर्पस एक तरह की क्लैरिटी आती, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपके यू नो पूर्वजों में एक ये था, इस तरह की उनकी लाइफ थी, वो ये चाहते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं सामने आता है कि आपको क्या करना है लाइफ, आपको क्या कहाँ बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, या क्या चीज में आप अच्छी तरह से कर सकते हो। और हमेशा जब भी हमको हमारे एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलता है तो हमको हमेशा बेटर लगता है, क्योंकि हमको एक तरह से लगता है कि हमारे पीछे कोई है, किसी का एक हाथ है जो हमको सपोर्ट कर रहा है ना। सो ये है, और प्लस एक हेल्दी प्राइड होती है अगर आपकी फैमिली ने बहुत सी चीजें की हैं, मे बी चैरिटी की हो, लोगों को मदद की हो। जैसे मुझे याद है कि मेरे को मेरे एक रिलेटिव आके बोलते थे कि आपकी दादी ने हमारे लिए इतने सारे कपड़े बनाए जब बहुत से रिफ्यूजीज यहाँ पे आए, तो शी यूज टू मेक थिंग्स फॉर पीपल, उनको रखा, उनको जगह प्रोवाइड की, उनका ध्यान रखा, उनको खाना दिया। तो जब उन्होंने ये चीजें मुझे बताई तो मुझे लगा कि हाँ देखो, सी व्हाट शी डिड फॉर अदर्स, यू नो, कि भाई उन्होंने किस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि देखो आई एम ऑल्सो, उन्होंने ये बोला कि यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एज व्हाट योर ग्रैंड मदर डिड और हाउ शी यूज टू बी सो गुड, यू नो, हेल्प एवरीबडी, राइट? सो वो एक प्राइड होता है, जो प्राइड आपको आपकी फैमिली को बिलोंगिंग, आपके एंसेस्टर्स पूर्वजों को बिलोंगिंग से होता है, और वो कर्मा का फल आपको भी मिलता है क्योंकि जो उन्होंने अच्छे कर्म किए। इसीलिए आप देखो, मुझे याद है बहुत बार हम जब ऑफिस में जाते थे, कुछ लोग हैं वो कुछ काम ही नहीं करते, हम बोलते हैं कि अरे कुछ काम नहीं करते फिर भी उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? तो हमको लगता था कि देखो जरूर उसकी उसकी मदर पर इन लॉ या उसके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि जिसका आज उसको बेनिफिट मिल रहा है।
राइट, उसी तरह से जैसे नुकसान की हम बात करते हैं या ये बात करते हैं, तो इवन हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मा का बेनिफिट भी तो हमको मिलता है ना, राइट? सो वो है। ओके सो एक ये हुआ जो हम पर्सनल फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। एक फैमिलियर लेवल पे मतलब कि एक तरह का आपका इन जनरेशन बोलते हैं, जो जनरेशन जो एंसेस्टर्स की जनरेशन लीनेज हो रही है, तो जो भी एक डिसफंक्शन अगर फैमिली में एक पैटर्न है तो वो आप हील कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से फैमिली के थ्रू आ रहा है। अगर कोई तरह का एब्यूज, कोई तरह का पेन है, जैसे हमने बात की, कोई कर्स है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के मानी पैसे पैसे के इश्यूज है, किसी के लैंड नहीं होता है, बिट्रेयल होती है, धोखा धड़ी होती है, भाई बहन बहन के बीच में झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है। हम वो चीज को हैंडल कर सकते हैं और फिर उसको एक पॉजिटिव चीज में बदल सकते हैं। सो ये एंसेस्टर रिपेयर वर्क बोलते हैं जो हम करेंगे थ्रू आर जर्नी, के जहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एंसेस्टर के पैटर्न्स जो स्टक हैं और कैसे उनको बदलने का या चेंज करने। ओके okay?